मेडिकल कॉलेज में लगातार हो रही घोटाले की शिकायत का पलटवार करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक निदेशक ने प्रेस वार्ता की और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से मीडिया को अवगत कराया। नगर के केशियन चौराहा स्थित अपने आवास पर थाना दन्नाहाट क्षेत्र में हरदा के पास निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के प्रबंध निदेशक आरएस यादव ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने लगातार बीजेपी नेता एसएस चौहान द्वारा मेडिकल कॉलेज में घोटाले की शिकायत का पलटवार करते हुए बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। उन्होंने यहां मेडिकल कॉलेज के प्रति दस्तावेज से मीडिया को अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि उनके मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरीके का कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से शीशे की तरह साफ है, किसी भी तरीके की कोई बेईमानी वाली बात नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने एसएस चौहान द्वारा अपने ऊपर हमला कराने के मामले का भी पलटवार किया है और पूरे प्रकरण को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रबंध निदेशक आरएस यादव ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। हमने भी अखबारों में पढ़ा है और एसएस चौहान ने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की है ये बेबुनियाद है, इसके आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और ये किसी साजिश के तहत कि मैनपुरी का विकास ना हो, मैनपुरी में अस्पताल ना है और यहाँ की जनता आगरा जा करके मरती रहे, ठगती रहे, ये इसका मोटो है। आप पर मारपीट हमला कराने का भी आरोप लगाया है। हमारा नेचर किसी भी तरह का गुंडागर्दी करना नहीं है, हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम समाज के कार्य करते हैं। आज हम एक पूना में बम्बई से एक अखबार चलाते हैं जिसका नाम सिद्धांत समाज का है और हम इन गुंडागर्दी की चीज़ों में विश्वास नहीं करते कभी भी। ये बहुत ही बेबुनियाद और आरोप है, इसके खिलाफ इसके अगेंस्ट हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। मैं वकीलों से सलाह मशवरा ले रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट में क्या क्या कर सकते हैं, वो हम सभी काम करेंगे। आपने जमीन खरीदी है? एक्शन नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जमीन खरीदी बेची हुई है और उनको उचित मूल्य मिला है, बल्कि ज़्यादा ही मूल्य मिला है और हमने कानून के दायरे में रह करके कानून को फॉलो करते हुए, कानून को मानते हुए, शासन प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए उसी तहत हमने जमीन खरीदी, उसी हिसाब से हमने स्टाम्प ड्यूटी भरी।